दोस्तों नोकिया ने भी अपना लॉन्च कर दिया है अपना एक बजट स्मार्टफोन जिसका नाम है नोकिया का 2.2। काफी ज्यादा अच्छा फोन है, बजट में आता है। अगर आप फैन है नोकिया के तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिए, अगर आप नहीं भी है तब भी आप इस वीडियो को देखिए, क्या पता आप नोकिया के फैन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, नोकिया ने अपना लॉन्च किया है नोकिया का 2.2। ये जो सक्सेसर बनकर के आया है नोकिया का 2.1 का सक्सेसर बन गया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोकिया के 2.2 की सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 5.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ये डिस्प्ले आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आएगा। पहले जो नोकिया का फोन आया था वो आया तो नॉच डिस्प्ले के साथ ही था, लेकिन ये आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये फोन कितने वेरियंट में देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दू ये फोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा। पहला आपका आएगा 2GB 16GB स्टोरेज के साथ आएगा, और जो दूसरा आएगा वो 3GB 32GB स्टोरेज के साथ आएगा। और दोनों ही फोन में आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने माइक्रो SD कार्ड को 400GB तक बढ़ा सकते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इस फोन में आपको 3000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। वैसे अगर 3000 से 3500 होती तो ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छा होता, कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाएगा बैटरी को लेकर के। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इस फोन में आपको हीलियो का A22 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन ये प्रोसेसर ठीक ठाक है, आपके फोन को हैंग नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में, तो आपको बता दूं कि ये फोन आपको एंड्रॉइड 9 पाई पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फोन में आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फेस अनलॉक का इसमें ऑप्शन दिया गया है। फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग इसके कैमरे को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं इसमें बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और फ्रंट में इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वैसे कैमरा ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि नोकिया के और सैमसंग के फोन ऐसे होते हैं जिनमें काफी ज्यादा अच्छे कैमरे होते हैं, क्योंकि डिपेंड ये नहीं करता कि आपके कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, डिपेंड ये करता है कि इसमें कौन सा सेंसर लगाया गया है। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसी लॉन्च डेट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ये फोन आपको 11 जून को देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, 11 जून को इसकी पहली सेल होने वाली है फ्लिपकार्ट पर। फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग इसकी प्राइस को लेकर के, तो 2GB 16GB की जो प्राइस है वो 7699 रुपीज रखी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, 7799 आपको इसको पे करने पड़ेंगे। और जो सेकंड वेरिएंट है 3GB 32GB, उसकी जो प्राइस है वो 8699 उसकी प्राइस रखी है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज और बताऊं कि जो नोकिया का 2.1 जो फोन आया था वो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 6999 थी। जी हाँ फ्रेंड, 7000 उसकी प्राइस थी, लेकिन बाद में घट करके वो 5499 रह गई थी। तो नोकिया के जो फोन होते हैं उनकी स्टार्टिंग की प्राइस तो बहुत महंगी होती है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो घट जाती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस पे एक ऑफर है कि अगर आप ये फोन 30 जून तक खरीदते हैं तो इसका जो बेस वेरिएंट मॉडल है वो 2GB 16GB का जो मॉडल है उसकी जो प्राइस है 6999, 3GB 32GB की जो प्राइस है वो 7999 है। दोनों ही फोन में आपको पूरा 700 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये था नोकिया का 2.2, ये लॉन्च किया गया है। आपको इसमें से क्या अच्छा लगा है इस फोन के बारे में अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये जो कम्पीट करने वाला है मार्केट में वो रियलमी C2 इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस के साथ कम्पीट करने वाला है। वैसे अगर नोकिया इसकी थोड़ी सी प्राइस और कम रखता तो ये बहुत ज्यादा फोन फिट जाता, लेकिन आपको पता है कि नोकिया के जो फोन आते हैं बहुत ज्यादा सस्ते नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।